दिखेगा, देखना है ना, आगे मत जाना कोई। ढंग से कैप्चर करो इसको, दिखाओ सबको कि शैतान भी कोई चीज होती है। देखना फेस पे, देखना भाई, पूरा खून में सना हुआ है, ये पूरा खून में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डोर ऑफ डेथ में। आप सोच रहे होंगे भाई कि जंगल में कहां पहुंच गया। तो दोस्तों, आज के करीबन 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, ठकुराइन की आत्मा, जो दारजे व्लॉग पे भी डली हुई है और जो जितेंद्र मारोटिया चैनल है YouTube चैनल उन पे भी डली हुई है। जब हम यहाँ विजिट करने आए थे दोस्तों, लोकेशन आज के 2 महीने पहले, जब हमें वो जो ठकुराइन की आत्मा थी वो हमें दिखाई भी दी थी, और जो आसपास में जो किसान बताते हैं उन्होंने हमें बताया था कि मतलब यहाँ पे है ना रात को कुछ पायल की आवाज आना, जो मैंने वीडियो में पहले वाली में क्लियर करा है। जब मतलब जो पड़ोसी था यहाँ का, जो ये लोकेशन है हॉन्टेड लोकेशन जो ठकुराइन की आत्मा की हम करके गए थे, यहाँ जो आसपास में जो किसान है वो यहाँ पानी लेने आते हैं, पास में कोई कुआं है जो ये लोकेशन है हॉन्टेड उसके जस्ट टच होते हुए, तो उन्होंने जो किसान है वो मेरे नंबर लिए थे, वो वीडियो जब हम शूट करके गए थे तो उन्होंने हमारे नंबर लिए थे और मैंने नंबर दिए थे उसको। तो अभी वापस आज सुबह मेरे पास कॉल आया था उनका, और वो मतलब बहुत ज्यादा ऐसे डरे हुए थे, वो फोन जब बात हुई थी तब भी वैसे मतलब बहुत भारी तरीके से कतरा रहे थे कि यार भैया एक बार आके जाओ, वापस क्लियर करो, पता नहीं क्या चीज है ऐसी जो पूरे दिन और पूरी रात मतलब तांडव करती रहती है। वहां नजदीक जाते मतलब पता नहीं मतलब ऐसे क्या होता है कि कोई इतना भारी डर बैठा हुआ है जो आसपास किसान है उनके मन में, कि मतलब जाने के लिए कोई ठानता ही नहीं है कि हाँ अपन दो चार आदमी मिलके चले। तो मैं लेके आया हूँ आज जो भी हॉन्टेड व्लॉगर है मेरे आसपास के, जो भी मेरे भाई लोग है दारजे व्लॉग और जितेंद्र मारोटिया और बाबा साहब को आप जानते ही हो, इन सबको मैं लेके आया हूँ, बाबा साहब और एक दो आदमी और हम एक्स्ट्रा लेके आए, क्योंकि मतलब जिस हिसाब से उन्होंने बात करी थी हमारे बीच में कि यार भैया एक बार मतलब आप 2-4-5 आदमी लेके आना, क्योंकि हम भी 3-4 आदमी वहाँ गए थे, लेकिन लोकेशन पर पहुंचने से पहले ही पता नहीं कैसी सनसनी हो जाती है, ऐसे एकदम से ऐसे डर बैठ जाता है मन में कि यार आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब वो हल्का सा जो ऐसे पर्चा या कुछ भी दिख रहा हो, जो भी कुछ हो मैं कुछ क्लियर नहीं कर सकता। बाकी मैंने जो वीडियो शूट करा था उसमें मेरे को क्लियर ठकुराइन की आत्मा दिखाई दी थी बाकायदा, मतलब जो पायल की वगैरह जो आवाज आपने सुनी होगी वीडियो में, अगर आप मेरी वीडियो देखे होंगे तो, आज के 2 महीने पहले मैंने डाली थी। आओ जितेंद्र भैया। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। और जो केपीएल स्टेडियम में उनको भी लेके आया हूँ साथ में, दारजे भी लोग राधे भैया उनको भी मैं लेके आया हूँ, क्योंकि दोस्तों ये लोकेशन कुछ इतनी भयंकर और इतनी डरावनी सी है कि मैं जब यहाँ आके गया था फर्स्ट बार, और जितेंद्र जी और राधे भाई भी आके गए थे तब भी मतलब यहाँ बहुत मतलब इतना डर था कि हमें खुद को भाग के निकलना पड़ा यहाँ से। तो एक बार वापस चलते हैं, ज्यादा देर नहीं करते, और मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज दिखा दूं दोस्तों कि जो गांव वालों ने कहा मैं कि एक बार है ना रात को 12 बजे आना आप, तो मैं टाइम बता दूं मैं आपको गूगल टाइम एक बार क्या हो रहा है। गूगल टाइम इंडिया भारत में शुक्रवार को समय रात के 1:01 है दोस्तों, 1:01 हो रहे हैं और हम 12+ होने के बाद यहाँ पहुंचे। चल के एक बार देखते हैं कि वो क्या चीज है, अभी क्लियर कुछ भी नहीं कर सकते हम पहले एडवांस में कि क्या चीज है वहाँ पे, एक बार चलने के बाद ही आपको। एक मिनट मोनू भैया का कुछ बोल लूँ। तो यार दोस्तों, मोनू भैया का मेरे पास में आज सवेरे फोन आया था कि यार जितेंद्र भैया एक लोकेशन आपने विजिट करी थी ठकुराइन की आत्मा। मैंने कहा बिल्कुल करी थी, तो आपने जो चीज वहाँ पे देखी थी वही चीज मुझे भी मिली थी वहाँ पे, तो एक ठकुराइन की जो आत्मा है वो मेरे को बिल्कुल मेरे कैमरा में शूट हुई थी। मगर इन्होंने जो बात बोली है कि यार मेरे पास में एक किसान का फोन आया और वो बोल रहा है कि वहाँ पे एक कोई भारी एक्टिविटी दिन में भी हो रही है, रात में भी हो रही है, पता नहीं एक अजीब सा साया वहाँ पे नजर आ रहा है, शैतान जैसा कुछ, शैतान जैसा कुछ है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ठकुराइन की आत्मा जो लोकेशन विजिट करके गया यहाँ पे बताते हैं कि एक ठकुराइन की आत्मा है, ये चीज क्या है उसको मैं क्लियर करूंगा। मैं मोनू भैया आरजे ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे गांव वालों के बीच में इतनी खतरनाक दहशत हो चुकी है कि कोई भी अंदर नहीं आ पा रहा यहाँ पे, तो हम भी हमारी टीम बना के लेके आए हैं यहाँ पे। हालांकि ग्रामीण वाले बहुत ही ज्यादा ऐसे होते हैं इन चीजों पे विश्वास भी करते हैं, लेकिन इनसे डरते नहीं इन चीजों से, वो मतलब पहुंच जाते हैं कि कोई भी चीज हो ऐसी वैसी, लेकिन वो भी डरे हुए हैं, चीजें सहमे हुए हैं बहुत भारी। लोकेशन पे चलते हैं आपका सेफ्टी चारों तरफ रखना चाहिए, हमला भी कर दे अपने ऊपर। हाँ आगे चलो, मैं सब का ध्यान रखता हूँ, चलता हूँ। बाबा साहब आप अपनी वो रखना है ना, तो हाँ हाँ और हमारा भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सामने देखो आंखें चमकी थी, सामने आंखें चमकी थी दोस्तों, लोकेशन बिल्कुल सामने ही है और कुछ आंखें वगैरह चमकती हुई दिखी है मेरे को भी, हो सकता है शायद वही हो। जंगल में देखो जितने भी सेफ्टी सबके पास है, हो सकता है ठीक है, सेफ्टी सबके पास है। तो ये हॉन्टेड होने के कारण जो इनका मालिक था ना, जो राजा साहब थे, उन्होंने चारों तरफ बाउंड्री कराई, जो आपने मैंने पहले वीडियो में दिखाई थी आपको, चारों तरफ 5-5 फीट की बाउंड्री की, मतलब कोई भी किसान को देखो देखो वहाँ देखो 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 हो रहा
है ना, है कुछ है, बड़े बड़े कुछ बड़े है, है है कुछ है, देखो ध्यान से कांटे में जाना, कुछ है मैं कह रहा हूँ, है ये देखो अंदर है तुम सबको दिखाई दे, दौड़ के गया वो सामने, मतलब है ना इस कोने में दौड़ने का मतलब है ना नीचे लेटा हुआ था ऐसे और घिस के गया, खड़ा नीता है ना वो, हाँ खड़ा नीता लेट के गया, देखो उधर देखो वापस से मूवमेंट हो रहा, देखो ये चीज क्या है, सुनो सुनो एक मिनट रुको बाबा साहब, एक काम करो सबसे पहले आप अपने कलमे पढ़ो एक बार, अपने कलमे पढ़ो वहाँ जाके बाद में आना, यही से ज्यादा रिक्स मत लो, बहुत ही बाउंड्री के करीब हो जाता, आगे मत जाओ, आप भी आगे मत जाओ, लग रहा है मुझे तो कोई, मगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, समझ में ये नहीं आ रहा कि इसमें शैतान का रूप कैसे, जो गांव वालों ने बात कही थी उन्होंने बोला मेरे को आप 15-20 आदमी है ना, इसीलिए मैंने आपको और राधे भाई को सबको कॉल करा था कि बिल्कुल मैं एक बार आओ यार, करते हैं आपको गिरा कर दिया मैंने इसके, और डरने की जरूरत नहीं, आओ प्रसाद ये कुछ है ना, थोड़ा सा रेड रेड सा दिखाई दिया था मेरे को यार, मोनू भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आदमी यहाँ पे आया हो और वो ठकुराइन की जो आत्मा है उसने कुछ कर दिया उसके ऊपर, भैया 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 सामने एक बार झूम करके क्या चीज है ये बाबा साहब, वो आप आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, थोड़ा सा खतरनाक चीज है यार, क्या चीज है ये, इसकी सड़ी हुई शक्ल लग रही है यार, रुको रुको वैसे लग रहा है जैसे आगे मत बढ़ो, इसकी पूरी बॉडी नोची हुई है इसकी, एक मिनट जीत गए, रुको एक मिनट रुको, वो जितने ये जानवर है क्या है ये, कोई समझ में नहीं आ रहा है, पहले देखो कैसे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है इंसान के लिए, ये तो जानवर भी नहीं है इंसान भी नहीं है, अजीब सी चीज है ये तो, क्या चीज है ये, देखो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, संभल के संभल के, बाबा साहब कहते हैं कि ऐसे लोग इंसान को भी खा जाते हैं, ये शैतान है, ये खून में लथपथ है पूरा, है ना पूरा खून में, बॉडी में आगे आओ, पहले पत्थर हाथ में लो, रिस्क मत लो, शायद यही कोने पे, पत्थर हाथ में रखो, पत्थर हाथ में रखो, पत्थर हाथ में रखो, सब चलो जितने इधर इधर से गया गया वो उधर गया अंदर गया वो अंदर गया अंदर गया देख लो अंदर ये दिख रहा है अभी ऊपर आओ ऊपर आओ इस तरफ आओ इस तरफ एक मिनट गायब हो गया गायब हो गया आगे मत जाओ आगे मत जाओ गायब हो गया ऊपर को जीत गया रुको एक बार तो उसको मुंह दे कोई पत्थर कोई पत्थर फेंक के देखो एक बार पत्थर फेंक के देखो अभी दिखेगा देखना है ना आगे मत जाना कोई कैप्चर करो इसको दिखाओ सबको कि शैतान भी कोई चीज होती है देखना फेस पे देखना भाई पूरा खून में सना हुआ है ये पूरा खून में बिल्कुल नहीं डर रहा है शैतान है इंसान नहीं बहुत ये शैतान है कैसे चल रहा है ये क्या चीज है बाबा साहब देखो पत्थर भी नहीं डर रही मत उसको उकसाओ मत रुको बहुत खतरनाक में है अभी गुस्से में है और इंसान भी नहीं है जानवर भी नहीं है तो बाबा साहब लाल लगा जी रुको जी पैसा निकलो लेकिन रुको कोई ना पत्थर मत पेगा जितने पत्थर मत पेगा देखो सेफ्टी करनी पड़ेगी हाथ में रखो देखो मुंह निकाल रहा है रुको मुंह निकाल रहा है देखो वही मैं देखो नहीं पत्थर देखोगे तो ये आगे आएगा पत्थर नहीं देखोगे नहीं आएगा पत्थर मत पेगा मैं कह रहा हूँ पत्थर मत पेगा देखो देखो यही देखो यहाँ पे देखो जूम करो जूम करो एक बार जूम करके देखो यहाँ पे जूम करके देखो जूम करके देखो इसके तो मुंह भी है इसमें कोई जानवर है मुंह भी है कुछ ऐसा जीभ खून है ना निकल रहा है मांस का टुकड़ा है मुंह में बहुत तेरे
जितु भैया रुक जाओ आगे मत जाओ जितु भैया नहीं सुनो डॉक्टर साहब एक काम करते हैं अपन इस तरफ एक साथ बढ़ते हैं धीरे धीरे ये पीछे हटेगा पक्का हाथ में पत्थर रखो बस ठीक है पत्थर ले लो फेंकना मत कोई है ना आराम ज्यादा आगे मत बढ़ना ठीक है हल्के हल्के आगे बढ़ो सब एक साथ ठीक है मैं टॉर्च रखता हूँ उस पर और डरना मत कोई ठीक है किशन जी आगे मत जाओ ज्यादा आगे मत जाओ जाने दे उसको पीछे देखो वो रूम में जा रहा है कहाँ गया यहाँ की सामग्री है दांत में अलग लाल लाल पीछे ये कोई शैतान का रूप ले चुका है एक बार हिम्मत करके पता करते हैं क्या चीज है ये शैतान का रूप ले चुका है पत्थर मत फेंको इसमें किशन जी पत्थर मत फेंको इसमें रुको एक मिनट भाई आवाज सुन रहे हो देखो बहुत भयानक आवाज है यार इसकी सांस से भी आवाज देखो कितनी तेज है आवाज आ रही है उसकी मुंह देखो कैसी खतरनाक आ रही है एक सेकंड रुक आगे मत जाओ मैं बोल रहा हूं गांव वाले बहुत हां बिल्कुल सही बोल रहे हो जिस हिसाब से वो डरे हुए थे ना मतलब इंसान है ना कोई जानवर है पता नहीं किस तरह का रोल है क्या ये बिल्कुल वह सब एक एक पत्थर रखना तो किधर गया अंदर रूम बना हुआ है ना एक बोला बोरा रूम में इधर आओ बोरा सामने उस रूम में वो सामने वाले में उसके हाथ में कुछ था बोरा वो देखना वो देखो उसका फेस देखो उसके मुंह से कुछ गिर रहा देखो उसके मुंह से देखो उसके मुंह से ब्लड गिर रहा ब्लड उससे कुछ ब्लड 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 गिर रहा है उसके मुंह से कुछ खाया हुआ उसके मुंह से ब्लड गिर रहा है उसके मुंह से क्या फेंक रहा है देखना ये कोई शैतान है आदम जोर उसके मुंह से कुछ फेंक रहा है वो ये गुस्से में हो रहा है फेंक देगा अपने डरने का नाम नहीं ले रहा बिल्कुल क्या कर रहा है यार ये कोई अलग ही तरह का है आज तक नहीं देखी ऐसी चीज है ना उसके मुझे लाल शायद दोस्तों आपको ये चीज कोई चीज खा रहा है अंदर कुछ ना कुछ है अंदर कोई मांस वगैरह कुछ ऐसा लग रहा है जानवर को खा रहा होगा हो सकता है पीछे हटो पहले एक बार इसको बाहर निकालो बाहर आने दे बाहर निकालो बाहर निकालो इसको पत्थर फेंक के बाहर बुलाओ ये पत्थर फेंकने से बाहर आएगा बाहर बाहर आओ इधर आओ सामने आओ यहाँ पे पत्थर फेंको हल्के हल्के दीवार पे ठीक है बाहर आ जाओ इसको बाहर निकालो ऐसे नहीं आएगा पत्थर फेंकने से आता है इधर फेंको पत्थर इसकी आवाज से आता है पत्थर की आवाज से आएगा ये इधर देखो वो आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है वो देखो आ रहा है साइड में पत्थर फेंको बाहर आएगा वो देखो साइड में देखो देखो आ रहा है पत्थर की आवाज सुन के वो वापस आ रहा है बाहर केवल आवाज से आता है ये बाहर पत्थर की आवाज करो वो बाहर आएगा पत्थर की आवाज सुन के वो देखो आ गया इसमें आ गया पिलर के पीछे वो देखो देखो वो देखो किशन जी उस तरफ पत्थर फेंको सामने इधर उसके पास मत फेंको और आगे आएगा वो देखो वो उस पिलर से बढ़ रहा है उस तरफ भाई भागो उसने कुछ उगला मुंह से है ना मुंह से कुछ उगला उसने वो देखो आ गया वो देखो बोरा मुंह में खून है उसके जूम करो भाई जूम करो उसको अंदर कुछ चीजें खा रहा बाबा साहब मुझे ये लग रहा है कि ठाकुरान की आत्मा ने इसके ऊपर कुछ कर दिया शैतान बन चुका है शैतान बन चुका है ये शैतान बन गया और ये अपने विषय लिए पिता छोड़ रहा है और ये मुंह से कुछ फेंक रहा है ना इसने कुछ ले रखा है अंदर कोई या तो किसी का बार बार खा के या तो कोई इंसान शिकार हुआ इसका कोई इंसान आया उसका शिकार करा इसने क्या पता किसी इंसान को खा रहा हो तो ये इंसान को खा रहा है उस रूम में चल के आएंगे अपन कैसे भी करके एक बार
जीतू भैया चलो इसको ना कैसे भी ना ध्यान भटका के ना इस कमरे में लाना है ना, इस कमरे की तरफ पत्थर मारो, ये इधर जाएगा, ये इधर वाला रूम है ना, पत्थर की आवाज से आता है, इधर पत्थर चला जाएगा, यहाँ पत्थर देखो, हाँ जिधर पत्थर देखेंगे उधर चला जाएगा, इस वाले कमरे में लाना है इसको, है ना, इधर पत्थर आ रहा है, वो देखो ये इधर आ रहा है, वो जीतू आगे बढ़ रहा है, वो देखो कमरे में जा रहा है, आगे बढ़ा पत्थर की तरफ बढ़ता है, वो पत्थर में जा रहा है, वो उस कमरे में जा रहा है, वो चला गया, जानवर तो नहीं है, जानवर तो नहीं, कोई शैतान हो चुका है, शैतान बन चुका है, ये है ना ठाकुर की आत्मा ने कुछ करा इसके ऊपर, ये शैतान बन चुका है, और बाबा साहब मेरे को ये लग रहा है कोई इंसान ही है, वो ही शैतान बन चुका है, आप कल में पढ़ो बाबा साहब, कल में पढ़ो, आगे नहीं आ सकता, वो लेके वो टुकड़ा नहीं है ना, इधर जंगल में कुछ देखो, ये रास्ता इधर खाली पड़ा, इधर बाबा साहब आवाज सुनो, आवाज देखो, आवाज देखो, आवाज देखो, मैंने सुना था तुम देखो तो क्या है, स्प्रिट नहीं आ पाए ना, कल में फोटो देने पीछे जाओ, पीछे जाओ, ये शैतान है, स्प्रिट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार पीछे हो, इस बाउंड्री से बाहर आओ, बाउंड्री से बाहर आओ, एक बार बाहर आओ, देखो पहले करने क्या है, इधर आके बात करो, ये तो डरने का नाम ही नहीं बिल्कुल, बाहर आओ पहले, इधर बाहर आओ पहले, मेरी बात सुनो, स्प्रिट होती है ना, इससे मंत्र तंत्र चलते हैं, इसमें मंत्र तंत्र कुछ नहीं चलेंगे, ये राक्षस बन चुका है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आके रखो फोकस, उस तरफ ये राक्षस का रूप ले चुका है मोनू भैया, इसके ऊपर कोई तंत्र नहीं चलेगा, कोई विद्या नहीं चलेगी इसके ऊपर, इसके लिए, इसके लिए कोई तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, वो ही बता सकता है, जीतू भैया सुनो, तांत्रिक ये ना जीव है और दूसरा काम करते हैं तांत्रिक, ना जानवर है, दोनों में से कोई, देखो यही से देखो, वो देखो वो आ गया, खतरनाक है यार, जीतू भैया सुनो, ये ऐसे है ना वश में नहीं आने वाली चीज है, फॉरेस्ट विभाग को बुलाते हैं, ठीक है, क्यों बाबा साहब, ये बहुत भारी, देखो अभी भी वही बैठा है, ठीक है, इसके लिए और इंतजाम, ये कोई स्प्लिट नहीं है, ये शैतान बन चुका है, आगे चल के आए, क्या बताओ आप लोग, अरे मोलू भैया करेगा, यही से देख लो यार, वहाँ क्या करोगे जाके, देखो फॉरेस्ट विभाग को शुक्रिया, अभी तक किसी को भी क्लियर हो गई है, आप इस चीज से, इस चीज से लड़ नहीं सकते, पहले तो इस जगह को छोड़ो, यहाँ से निकलो, कैमरा बंद करो, खतरे जो है जो डिसीजन आगे लेंगे।